तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम कार के गियर शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पर सुजुकी का यह ओल्ड मॉडल ब्लेनो है और अभी जो मैं तरीके बताऊंगा वो लेटेस्ट जो मॉडल है उनमें भी काम करेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा इसको ऐसे याद रख सकते हैं ए बी सी, ए यानी एक्सीलेटर, बी यानी ब्रेक, सी यानी क्लच। ओके, वो हमारा रेस है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। क्लच को कब दबाना होता है दोस्तों, जैसे हम गियर चेंज कर रहे हैं, गियर लगा रहे हैं, तो उससे पहले अपना क्लच दबाते हैं, रोकने के लिए अपना ब्रेक दबाते हैं और गाड़ी को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए अपना रेस दबाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका क्लच हमेशा आपके लेफ्ट पैर से ही दबेगा, हमेशा ध्यान रखिए। क्लच के लिए आपका लेफ्ट पैर अलर्ट रहता है, फिक्स रहता है, और जो आपका राइट पैर है वो वाला, वो या तो रेस पर रहेगा, देखिए रेस पे रह सकता है, और जब रेस छोड़ेंगे, रोकना है, धीरे करना है, तो अपना क्या दबाएंगे, उसी पैर से ब्रेक को दबाना है, यह ध्यान रखें। दोबारा सुन लो दोस्तों, जो लेफ्ट पैर है वो तो फिक्स है क्लच के लिए, और राइट पैर से हमें दो ऑपरेशन करना है, या तो रेस दबाना है या ब्रेक दबाना है। ओके, यह ध्यान रखें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपके लेफ्ट पैर से ब्रेक दबा देते हैं, राइट पैर से रेस दबा देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाता है, तो उस मिस्टेक से बचिए दोस्तों। अब हम क्लच दबाते हैं, क्लच दबा देते हैं, क्लच दबाओ, और देखिए गियर को समझ लें, इसमें तीन पोजीशन है, तीन स्थितियां हैं। एक जहां पर गियर आपका अपने आप रुका हुआ है, तो बीच में क्या लिखा हुआ, तीन और चार लिखा हुआ, तो आगे दबा दो तीन, पीछे दबा दो चार, और गियर को सबसे इस साइड ले आओ, देखिए इस साइड क्या लिखा हुआ, एक और दो, आगे दबा दो एक नंबर लग जाएगा, और हम कार को एक नंबर में ही रवाना करते हैं। अब क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे आगे आने देना है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत रेस बढ़ा देना है। देखिए इस पॉइंट पर आपका गाड़ी अपने आप रवाना हो जाएगा, जैसे ही गाड़ी आपका पूरी तरीके से रवाना हो जाता है तो अपन अपना क्लच पूरा छोड़ देते हैं, उसके बाद गियर ऐसे चेंज करना है, रेस कम करते हैं, क्लच दबाते हैं और एक नंबर के सीध में नीचे ले आएंगे, आगे पीछे आपका दो नंबर लग गया। ओके, फिर तीन नंबर आगे लगेगा, फिर चार नंबर पीछे, फिर पांच नंबर आगे, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे, इस प्रकार से इसके सारे गियर लगते हैं। ओके, अब जैसे हमें रिवर्स करना है, तो अब जैसे हमें तीन नंबर लगाना है, तो हम अपना क्लच दबाएंगे, रेस कम करेंगे, तीन नंबर लगाएंगे, फिर रेस बढ़ाएंगे, फिर ऐसे करके ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। अब जैसे हमें रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, क्लच दबा दिया, गियर को सबसे उस साइड लेके गए और पीछे रिवर्स दबा दिया, तो अब हमारा ये रिवर्स गियर लग गया। थोड़ा सा रेस देने के साथ अपने क्लच को धीरे धीरे पीछे लाना है, एक पॉइंट पर आपका गाड़ी अपने आप एक्शन में आ जाता है और चलने लग जाता है, ठीक है। जैसे पूरी तरीके से चल जाता है तो अपना क्लच पूरा छोड़ देते हैं, ध्यान रखें अचानक क्लच पूरा नहीं छोड़ना है। अब एक नंबर लगा दिया वापस, फिर से जैसे हमें रवाना करना है, देखिए क्लच को हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर ले आते हैं और फिर उसको रोक देते हैं, गाड़ी को पूरा स्पीड पकड़ने देते हैं। जैसे गाड़ी पूरा स्पीड पकड़ लेता है तो अपना क्लच पूरा छोड़ देते हैं, ये ध्यान रखें, और साथ ही साथ रेस का बैलेंस करके चलना, नहीं तो आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी। क्लच को ज़्यादा स्पीड से छोड़ेंगे तो गाड़ी हिस्कोले मारेगी, और धीरे धीरे छोड़ेंगे और साथ में रेस का बैलेंस नहीं करेंगे तो भी कार बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्लच रेस का विशेष रूप से बैलेंस करके चलना होता है। अब रोकना है तो क्लच दबा देते हैं और अपना राइट पैर से ब्रेक दबाया, ओके, रेस को छोड़ दिया और राइट पैर से अपन को ब्रेक दबाया, और ब्रेक तब तक दबा कर रखना है जब तक आपकी गाड़ी पूरी तरीके से रुक नहीं जाती है। ओके, तो इस प्रकार से अपन है जो कार को ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, जहां पर बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कार चलाने की खूब सारी वीडियोस आए हुए हैं। धन्यवाद।